नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज मैं आपको शेयर करूंगा एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इससे, और इसका नाम है स्कैबीज। स्कैबीज मतलब खाज या खुजली। होता क्या है, दो तीन प्रकार की चीजें स्किन तकलीफों में होती है। मेरे एक यूट्यूब में वीडियो को देखकर एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर स्कैबीज पर वीडियो जरूर बनाइएगा। तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले ये कमेंट आया था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं इसको जरूर शेयर करूंगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या ऐसे कि दो प्रकार की समस्याएं आजकल स्किन में बहुत कॉमन है, और मैंने सदियों से आप देखते आ रहे हैं। वो समस्या है, एक तो एक्जिमा हो जाता है, मतलब बहुत समय से लंबे समय से खुजली चल रही है, पपड़ी बन गई, सूखता है, फिर आता है, फिर गीला होता है, सूखता है, आता है, मतलब सदियों से 20-25 सालों से चल रहा है, तो एक्जिमा होता है। दूसरा होता है फंगस, यानी कि रिंगवर्म। रिंगवर्म लाल लाल दाने होते हैं, और फिर वो दाने एक रिंग के फॉर्मेट में फैल जाते हैं, और एक जगह फैलता है, फिर होता है खत्म होता है, फिर दूसरी जगह आता है, पिछली जगह जहाँ हुआ था वहाँ काला पड़ जाता है इंसान, तो इस तरह से, और प्राइवेट पार्ट्स में होता है। तो ये दो चीजें बड़ी कॉमन है जो सदियों से स्किन की तकलीफें में बड़ी, मतलब लोग परेशान है। और तीसरी जो समस्या है जो बहुत कॉमन है वो है खाज। खाज यानी खुजली। अब ये खुजली को लेकर लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किया कि सर बहुत सारी दवाइयाँ हम खा चुके हैं। मैं जब लाइव क्लिनिक के सेशन लेता हूँ तो उसमें भी लोग मुझे पूछते हैं सर खुजली की दवाइयाँ बताइए। खुजली मतलब ये कौन सी खुजली है, किस वजह से हो रही है। ये खुजली है स्कैबीज माइट की वजह से, सार्कोप्टाइस स्काबाई इसका नाम है। सार्कोप्टाइस स्कैबी सीरीज का ये माइट, यानी कि छोटा सा कीड़ा कृमि जिसको बोल सकते हैं आप, जो आपकी स्किन के पोर्स में चला जाता है। जब आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हैंड लाइन से उसको चेक करते हैं। वहाँ छोटे छोटे दाने होते हैं, वहाँ छोटे छोटे से रोम से जो होते हैं, जहाँ क्रैक ऑफ स्किन, स्किन के जो क्रैक्स हैं उसमें ये जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। निपल्स के आसपास आपको मिलेगा, वहाँ पे ये बहुत कॉमनली मिल सकता है। प्राइवेट पार्ट्स में मिल सकते हैं, जहाँ पे रिजेस हैं, जहाँ स्किन पे फोल्डिंग्स हैं, उस इलाकों में बहुत ज़्यादा मिलेगा। और ये सार्कोप्टिस इजिप्टी जो है, इसकी मैं फोटो यहाँ पे डाल दूंगा, आप देखिएगा, और किस तरह का इन्फेक्शन होता है वो भी मैं उसकी फोटो आपको जरूर डाल दूंगा, आप देखिएगा, उसको सामने पे मैं लगा कर रखूंगा, तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में ये वाला इन्फेक्शन है जिसके लिए दवाई बताई गई। क्योंकि मैं कई बार दवाइयाँ बताता हूँ, लोग समझ नहीं पाते कि ये कौन सी चीज़ों की दवाई बता रही है। तो सार्कोप्टाइस स्कैबी जो है, ये जो स्किन के बुरोज हैं, मतलब जहाँ पे एक गुफाएं जैसी स्किन के नीचे क्रैक पोर्शन या कटे हुए पोर्शन, वहाँ पर ये चला जाता है। अभी जाता कहाँ से, और वहाँ पे ये मादा जो होती है, मादा सार्कोप्टाइस स्कैबी, वो जाके वहाँ अंडे देती है, और उसके बाद वो एक बार में 200 से ज़्यादा अंडे देती है, और फिर उसके बाद वो बनता है स्किन की वो बीमारी जिसको बोलते हैं एक्चुअल में 6 ईयर्स ईच, मतलब 6 सालों तक लंबे चलने वाली बीमारी। क्या करेंगे ऐसा, ये पहनता कैसे है, पहले ये समझ जाओ। आप कहीं ट्रेनिंग से सफर करके आ रहे हैं, अचानक से आपको रात में खुजली चालू हो गया, समझ लेना कहीं किसी को ऐसा रहा होगा उसके कांटेक्ट में आने के बाद, या उससे उसे हाथ वाथ मिलाने के बाद, या उसकी जगह पे बैठने के बाद, कपड़ों से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के बाद, बहुत सारी तरीके हैं जिसकी वजह से ये स्कैबीज आपकी बॉडी में फैल सकता है। यदि आपके पार्टनर को स्किन में ईचिंग है, सेक्सुअल पार्टनर को, तो प्लीज उसे उसका पहले ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद ही सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आगे बढ़ें, अदरवाइज ये आपको फैल जाएगा। दूसरा, बच्चों को है, पिता को है, माता को है, घर में बहुत सारे लोगों को एक साथ फैल रहा है, ये स्कैबीज है, समझ जाओ ये स्कैबीज है। क्योंकि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे बहुत सारे केसेज आते हैं जिसमें बोलते सर मेरे को खुजली है, मेरे बच्चे को भी खुजली है, वाइफ को खुजली है, माता पिता को भी हो रही है, ये क्या चीज है। ये जो चीज होती है उसको बोलते हैं स्कैबीज। प्लीज इस स्कैबीज यानी खाज यानी खुजली की बीमारी के लिए मैं कुछ दवाइयां बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिए। पहले दवाई बताने से पहले एक बात का नोट कीजिए, आपको इसका प्रिकॉशन कैसे रखना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कैसे आप बचेंगे इससे। ध्यान रखिए अपने जो भी कपड़े हैं जिसमें आपको लगता है कि ये थोड़े से इसकी सफाई में ध्यान नहीं दिया गया है, या जिस व्यक्ति को ये है उससे बचने की कोशिश करें, और उसके कपड़ों को स्पेशली गर्म पानी में डिटॉल वगैरह डाल के साफ करें, डिसइंफेक्टेंट मटेरियल डालें, अच्छे से सफाई करें, अच्छे गर्म गुनगुने कड़कड़े पानी में, मतलब बहुत तेज गर्म पानी हो उसमें डाल के उबाल के इसको धोएं, और बाकी सबके कपड़े भी ऐसे ही करना है। चादर वगैरह घर के हैं, कर्टेंस हैं, पर्दे वगैरह सब एकदम साफ करिए, और ऐसी जगह में सुखाइए जहाँ बहुत तेज रोशनी आती हो। ये स्कैबीज का जो माइट है ये मर जाएगा, 3-4 दिन लगातार ये सिलसिला चले तो ये मर जाएंगे, क्योंकि स्कैबीज माइट 4 दिन कम से कम बाहर रह सकता है,
तो 3 से 4 दिन, मैं बताऊं 4 से 5 दिन रखना कपड़ों को ऐसा सुखाना कि आपने कभी इतना गर्मी ना दी हो इस टाइप से, और बढ़िया प्रेस करना ताकि ये जो माइट्स है वहां से खत्म हो जाए ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। दूसरी बात, खान पान अपना अच्छा रखना है। यदि आपका रात में जागना स्पेशली ज्यादा है तो आपको माइट्स के होने की संभावना, इचिंग और खुजली और खाज की संभावना ज्यादा है, मतलब स्कैबीज आपको हो सकता है। तीसरी बात, जहां भी जाएं वहां पे थोड़ा जब सब बैठते हैं तो थोड़ा साफ सफाई रखें। यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ज्यादातर ट्रैवलिंग वाले लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जो या तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आजकल, वो लोग जो ट्रैवल करते हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशली बताऊं, आप अपने साथ एक चादर जरूर लेकर जाएं। उस चादर को पहले बिछा दें, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर जगह पे सोएं, या कहीं भी आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में रुक रहे हैं या कहीं आप लॉजेस वगैरह में रुक रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें आपकी चादर बदली हुई हो, नई हो, और उसके ऊपर अपनी एक नई चादर डाल लें, प्रेस रखें, तब उसका यूज करें। टॉवेल वगैरह यूज कर रहे हैं तो अपना यूज करें स्पेशली। कभी कभार ये रेस्टोरेंट वगैरह में उतना ध्यान दिया नहीं जाता, तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के लोग वहाँ रुकते हैं, किसी का हो सकता है इचिंग रही हो तो वो आपको फैल सकती है। ये एक तरह की संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। जिसको भी खुजली हो दूर से नमस्कार उसे बोलिए, प्लीज सफाई रखें। दवाई ये वीडियो शेयर कर देना, दवाई के बारे में बोलना, उन्हें बोलना कि आप इस बात को अंडरएस्टिमेट ना करें, क्योंकि ये दूसरे लोगों तक फैलता है। अब बात समझें इसको ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए कुछ दवाइयां नोट करें। यदि आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता, लैट्रिन गड़बड़ होता है, पेट साफ नहीं रहता है और आप रात में जाग रहे हैं, तो आपको ये तकलीफ स्पेशली खुजली इस जगह पे हो सकती है। ये क्योंकि खुजली रात में ज्यादा होती है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कौन कौन सी दवाई बता रहा हूँ। पहली दवा है नक्समामी का 200, 4-4 बोली सुबह शाम खाली पेट में इसको ले लें। यदि ड्रॉप मिलता है तो 2-2 ड्रॉप जो सुबह शाम इसको दें, कुछ दिनों तक चलने दें, लगातार चलने दें। ये 1-2-3 दिन में ठीक होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि 14-15 दिन बाद माइट्स फिर से बनते हैं और फिर वो खुजली बढ़ती जाती है। दूसरी बात, दवाई नोट करें, लाइकोपोडियम 200। मैं हमेशा नक्सवामी का और लाइकोपोडियम दवाइयों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपर रखती है। तीसरी बात, आर्सेनिक, यदि बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, जलन हो रहा है, तो आपको आर्सेनिक 4-4 बोली सुबह शाम यूज करनी है, इस दवाई का यूज करें। चौथी बात, सल्फर 200 एक दवा यूज होती है, हफ्ते में एक बार इसको यूज करेंगे आपकी खुजली बहुत अच्छी रहेगी। सोराइनम एक दवा है, सोराइनम 200, हफ्ते में एक बार इसको भी आप यूज करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आराम लगेगा। ज्यादा बर्निंग होती है तो आर्सेनिक कंटिन्यू सुबह शाम करिए, आपको बेटर लगेगा, कुछ दिनों तक तो आपको लेना ही पड़ेगा। एक और दवाई आती है रीजन कंपनी में, स्टेबॉइड। स्केबॉइल आप यूज कर सकते हैं लोकली, उन सभी जगहों पे नहाने के बाद उन सभी जगहों पे लगा लीजिए जहां पर आपको स्कैबीज है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, स्कैबीज यदि इस हाथ में है तो इस हाथ से को में लगाने के बाद हाथ धोएं और फिर बॉडी में दूसरे पार्ट में लगाएं, या जब जिस जगह में आपको स्कैबीज नहीं है उस जगह में पहले तेल लगा दें, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे जाएं, और जिस जगह पे तकलीफ है उस तकलीफ वाले हाथ को ऐसी जगह पे ना लगाएं जहां पे स्कैबीज नहीं है, अन्यथा आपको बॉडी के उच्च पार्ट से स्कैबीज दूसरे पार्ट में ट्रेवल कर जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो दवाइयां मैंने बताई हैं उन दवाइयों में एक दवाई और ऐड कर रहा हूँ, होम्योडर्म टैबलेट। होम्योडर्म टैबलेट 101 गोली सुबह 1 गोली शाम आप इसको यूज करेंगे। और एक नेक्स्ट दवा है एचिनेसिया 1x 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, इसको यूज करिए, आपको बहुत बेटर लगेगा। मैंने 3-4 दवाइयां 5 दवाइयों के जो नाम बताए हैं मैं इसको आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, आप इन दवाइयों को लेकर स्कैबीज की इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको रात में जागना बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये खुजली आपकी जिंदगी भर नहीं जाने वाली, ये बहुत तंगाने वाली चीज है, आएगी जाएगी, पहले हुआ है तो फिर बाद में आ सकता है, स्कैबीज होने की संभावना हमेशा बढ़ सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी साफ सफाई आपको नियंत्रित करनी है। आपको शायद ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो देखो लाइक करने के बाद भैया पीछे साथ नीचे पे सब्सक्राइब की बटन है, वीडियो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करोगे चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आपको इस चैनल के वीडियोस लगातार मिलते रहें। मैं लाइव क्लिनिक में रोज शाम 4:30 बजे के बाद भी अवेलेबल होता हूँ, लगभग आधे से पौन घंटे मैं इस चैनल पे रहता हूँ, सभी लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ, और देश विदेश के सभी जो दर्शक हैं जो मुझे देख पाते हैं मैं उनके सवालों के जवाब देता हूँ। तो जब भी आप इस तरह से हों लाइव क्लिनिक में आए तो प्लीज अपनी सारी रिपोर्ट के साथ सामने बैठे ताकि मैं आपसे इस बारे में बात कर सकूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।